आई एम सॉरी सारा, भाभी ने तुम्हें जो कुछ भी कहा मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मैंने मॉम से बात कर ली है, आइंदा से भाभी तुम्हारे किसी भी मामले में कोई बात नहीं करेगी। क्या हुआ सारा, तुम चुप क्यों हो? कोई बात करो ना मुझसे प्लीज। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जानती थी मुझे ऐसी बातों का सामना करना पड़ेगा, मगर तो किस बात का है कि आपको मेरी वजह से भी ये सारी बातें सुननी पड़ रही है। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमसे शादी करना मेरा फैसला था और मैं उससे बहुत खुश हूं। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे यकीन है कि आपको सारा से मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। सारा बहुत अच्छी लड़की है भाई, आप भी जानते हैं कि भाभी के गुस्से की वजह कुछ और है। मुझे यकीन था भाई कोई और मेरी बात पे एतबार करे या ना करे, लेकिन आप जरूर करेंगे। जी जी ये बात करें प्लीज। बाय। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन कट गई। एक्चुअली वहां पे कुछ सिग्नल प्रॉब्लम है। कौन थी वो लड़कियां? जी बेगम साहबा, सारा बीबी के हॉस्टल से आई थी उनके लिए नाश्ता लेकर। फिर जी हुमा बीबी ने कहा कि उन्हें वापस भेज दो, तो मैंने वापस भेज दिया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी। अच्छा सुनो। जी बेगम साहबा, सारा को मेरे पास भेज दो। जी अभी भेजती हूँ। हेलो। भाई की मौत के बाद आपने मुझसे सारे रिश्ते तो तोड़ ही लिए थे। हुमा और आलिया तो आपकी भाई की ही औलाद है ना, कम अज कम आपको उनसे इतनी बड़ी ज्यादती नहीं करनी चाहिए थी। बचपन से आलिया को आप सलार के ख्वाब दिखाते हैं, और जब वक्त आया तो दारुल अमान से एक लड़की भी आ लाई। आपका म्यार इतना गिर जाएगा ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। मैं जानती हूँ तुम अभी तो गुस्से में हो, इसलिए तुम्हें अंदाजा ही नहीं हो रहा कि तुम किससे बात कर रही हो और क्या बात कर रही हो। मेरे ख्याल में ये मुनासिब वक्त नहीं है बात करने का। बस कर दें आपा, बस कर दें। ये जो असूलों की बड़ी सी चादर आपने तान रखी है ना, मेरा मशवरा है कि इसे उतार कर फेंक दें। बड़ा गरूर था ना आपको, बहुत गरूर था आपने खानदानी होने का, और इसी बात की सजा आप सारी जिंदगी मुझे देती रही कि मैं आपके खानदान से नहीं थी। मुझे तो आपने कभी इस काबिल भी नहीं समझा था कि मेरे साथ बैठकर खाना ही खा। आपा अब जरा मुझे बताएं ना, ये दारुल अमान से जो लड़की लेकर आई है उसके साथ बैठकर खाना खाएंगी या नहीं?
आपा इसे कहते हैं मकाफाते अमल। मैं तो अपनी बेटी को कहीं भी ब्याह लूंगी। लेकिन आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वाह सच में मुझे तो मजा आ गया। मैं तुम्हारी हर बात का जवाब दे सकती हूँ, लेकिन शायद ये मुनासिब वक्त नहीं है। हुमा और आलिया ने तुम्हारी कोख से जरूर जन्म लिया है, लेकिन वो मेरे भाई का खून है और वो मुझे अपनी औलाद से ज्यादा अजीज हैं। और तुम्हारी ये सारी बातें मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत कम नहीं कर सकती। अरे रहने दे आपा, रहने दे। आलिया और हुमा के साथ आपको कितनी मोहब्बत है वो तो मैंने देख ही लिए। खैर छोड़े, बहुत बहुत मुबारक हो आपको बहू की। कभी आऊंगी, आऊंगी आपकी बहू से मिलने। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ही हाफिज आपका। अस्सलाम वालेकुम बीजी, सारा बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सारा बेटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। हीरा की खैरियत मालूम करनी थी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था सुबह से। कैसी है वो? क्या हो गया तुम्हें? कितना समझाया था मैंने कि उस घर में जाकर भूले से भी हीरा का नाम अपने मुंह से मत लेना। मैं जानती हूँ, मुझे आपकी सारी बातें याद है, लेकिन मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। एक अजीब घुटन सी महसूस हो रही है मुझे यहाँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत बड़ा गलत फैसला कर लिया, एक गहरी खाई में आ गई हूँ जहां मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। अरे बिल्कुल दीवानी हो तुम, इतना अच्छा नसीब है तुम्हारा बेटा, तुम्हें तो रब का शुक्र अदा करना चाहिए। इतना अच्छा शौहर मिला है, और तो और तुम्हारी सास भी आकर तुम्हें खुद लेकर गई है। और क्या चाहिए तुम्हें? पता नहीं बीजी मुझे क्या चाहिए, मगर ये नहीं चाहिए था मुझे। आप बताइए ना हीरा कैसी है? रात को ठीक से सोई? ज्यादा रो तो नहीं रही थी वो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है, और उसका ख्याल करने के लिए हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तुम क्यों फिक्र करती हो? देखो बेटा, तुम अपना ख्याल रखो, अपने शौहर का ख्याल रखो, अपना दिल उस घर में लगाओ। हमें और हीरा को अपने दिल से भुलाने की कोशिश करो, समझी? सारा तुम सुन रही हो ना बेटा? जी सुन रही हूँ बीजी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। छोटी बीबी, बेगम साहिबा आपको बुला रही हैं। मुझे? जी जी आप ही को बुला रही हैं। ठीक है आप जाए, मैं आ रही हूँ। जरा जल्दी आ जाइएगा, वो आपका इंतजार कर रही है। आ जाइए। आपने बुलाया? मैंने जिन हालात में तुम्हें कबूल किया है, मुझे यकीन है कि तुम अच्छी तरह समझती होगी। अपने बेटे की खुशी की खातिर अपने दिल पर पत्थर रखकर मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई हूं। तुम्हारा माजी जो भी है, जैसा भी है,
अब तुम उससे कोई ताल्लुक नहीं रखोगी, ना ही तुम हॉस्टल जाओगी उन लोगों से मिलने, और ना ही वो लोग यहां इस घर में आएंगे। मगर मैंने जो कहना था कह दिया, अब तुम जा सकती हो। कहाँ जा रही हो? ये कैसा सवाल है मामा? क्या मैंने आपसे आज तक पूछा है कि आप कहाँ जा रही हैं और कहाँ से आ रही हैं? हमारे घर में ऐसे सवालों का रिवाज बिल्कुल नहीं है। फिर बकवास बंद करो अपनी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं। जाओ जाकर कमरे में बैठो। अभी कुछ दिन तुम बाहर नहीं जाओगे। यू आर सीरियस? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बाहर ना जाऊं? और मैं बाहर क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूं। ओके, वेल इन दैट केस आई डोंट केयर। मॉम, आपने मुझे थप्पड़ मारा? मुझे? बस बहुत कर ली तुमने अपनी मर्जी। अब मैं जैसा कहूंगी मैं वैसा करना होगा। आज के बाद तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। आई समझ तुम्हें? आप मुझे जबरदस्ती इस घर में नहीं रोक सकती हैं। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ। पर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हारी सोच है कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम आराम से कमरे में जाकर बैठो। अभी नई नई बात है ना, कुछ दिन गुजरेंगे और सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मॉम दिल की बुरी नहीं है, वो तुम पे कोई बेजा पाबंदियां नहीं लगाएगी। कोई भी कितना अच्छा क्यों ना हो, वो जैसी लड़की को बहू बनाने से पहले हजार बार सोचेगा। आपने जबरदस्ती थोपा है मुझे उनके सर पर, वो मुझे कभी कबूल नहीं करेगी। अगर कबूल ना करती तो तुम्हें यहां लेकर ना आते। देखो फजूल बातें मत सोचो, यहां पे वो तुम्हें लेकर आई, अब उनके दिल में जगह तुम खुद बना। अच्छा अब जल्दी से तैयार हो जाओ, कहीं बाहर चलते हैं घूमने फिरने के लिए, और खाना भी बाहर से ही खाएंगे। चलो जल्दी करो, गया आप? मैं मानती हूं सालार ने यह शादी हम सब की मर्जी के खिलाफ की है, लेकिन वो लड़की इस घर में मेरे फैसले पर आई है, और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि उस लड़की के साथ कोई भी बुरा बर्ताव करे। आप मुझे वार्न कर रही हैं? समझा रही हूं।
मैं नहीं चाहती इस घर का सुकून बर्बाद हो। तो ठीक, अगर आपको लगता है कि इस घर का माहौल मेरी वजह से खराब हो रहा है तो मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही हैं? उसकी नफरत में अपना नुकसान मत कर लेना। इधर आओ। मैंने कहा इधर आओ, मेरे पास बैठो। देखो, इस घर में जो तुम्हारी हैसियत है वो उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हें मैं सारी दुनिया के सामने अपनी बहू बनाकर ब्याह कर लाई हूं। तुम मेरे बड़े बेटे की बीवी हो। वो बेटा जो मेरा बहुत फर्मा बरदार है, मेरी हर मर्जी के आगे वो अपना सर झुकाता है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारी तल्ख बातों को मैं खुले दिल से लेती हूँ। तुम अपना मुआवजना उससे करना छोड़ दो, वो इस घर में मजबूरी से आई है और तुम खुशी से। मगर माँ जी, मुझे उससे घिन आती है। एक लड़की जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, वो इस खानदान का हिस्सा कैसे बन सकती है? अभी तो लोग बाहर से बातें कर, जब सबको हकीकत पता चलेगी तो यही लोग हमारे सामने आके हमसे सवाल करेंगे, तब क्या कहेंगी आप? ये लड़की कौन थी, कहां से आई है, इसका खानदान कौन है? अगर सालार को आलिया से शादी नहीं करनी थी तो मत करता, लेकिन कम से कम ऐसी लड़की को पसंद करता जिसकी कोई हैसियत तो होती। तुम ये सारी बातें सोचकर अपना दिल क्यों जलाती हो? कुछ दिन सबर कर जाओ, वो अगर किसी अच्छे खानदान से होगी तो पता चल जाएगा। खून अपना असर दिखाता है। ठीक है माँ जी, अगर आप उसे वक्त देना चाहती हैं तो मैं भी इंतजार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात याद रखें, मैं उसके साथ एक टेबल पर बैठ के खाना नहीं खाऊंगी। वो आप इजाजत दे तो मैं आलिया से मिलने जाना है, मैं चली जाऊं। मामा का फोन आया था, बता रही थी आलिया बहुत दुखी है। ठीक है, चली जाना, मैं तनवीर से कहूंगी, वो तुम्हें छोड़ देगा। जी। अच्छा हुआ तुम आ गई। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना मामा? आलिया का दिमाग खराब हो चुका है, सिचुएशन समझ ही नहीं रही। आखिर हुआ क्या, आप मुझे बताएंगी भी या नहीं? बाहर जाने की जिद कर रही थी, मैंने समझाया कि कुछ दिन घर में रहो, तुम्हारी फूफो को पता चले कि सालार की शादी का दुख मना रही, लेकिन उसे कोई परवाह ही नहीं। अच्छा ठीक है मामा, अभी कहाँ है वो, मैं उससे बात करती हूँ। कमरे में लॉक कर दिया है मैंने उसे, जाकर उसे अच्छी तरह समझा कि अब उसकी कोई भी गलती मैं माफ नहीं करूंगी। मामा आप अपने गुस्से पर काबू रखें, मैं बात करती हूं उससे। क्या हो गया है तुम्हें आलिया, क्या बात है? मेरी तरफ देखो आलिया। मामा ने तुम्हें नहीं बताया? थप्पड़ मारा है उन्होंने मुझे। वाकई?
उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें क्या लगता है कि वो इस तरह मेरे साथ मारपीट करके मुझे कमरे में कैद कर लेंगी? मैं वो ही करूंगी जो मेरा दिल करेगा, वो मुझे इस तरह मजबूर नहीं कर सकते। आलिया आलिया, कुछ ही दिनों की तो बात है, मामा की बात मान क्यों नहीं लेती तू? अरे तुम हो ना उनकी फरमाबरदारी करने के लिए, नहीं होता मुझसे ये सब कुछ। मैं समझ सकती हूँ तुमसे क्यों नहीं होता ये सब। तुम इसीलिए ये सब नहीं कर सकती ना, क्योंकि तुम्हें मामा के दुख का अंदाजा नहीं है। आज तक उनके साथ जो कुछ भी हुआ तुम भूल गई हो शायद, मगर आलिया वो हमारी माँ है। जरा सोचो तो सही, क्या क्या जुल्म नहीं किए पुप्पो ने और उनके खानदान वालों ने मामा के साथ। कभी अपने साथ बिठाना गवारा नहीं किया, कभी किसी खानदान की तकरीब में नहीं बुलाया। यही पुप्पो है जो आज हम पर झूठी मोहब्बत निछावर करती रहती है। उन्होंने हमारे बाप से उस वक्त सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे जब उन्होंने मामा से शादी की थी। तुम ये भूल सकती हो लेकिन मैं और मामा ये नहीं भूल सकते। तुम जानती हो कल तक जो ये कहती थी मैं जानवर भी नस्ल देखकर घर लाती हूँ, वो दारुल अमान से बहू ले आई। यही नहीं, उन्होंने मुझे ये भी कहा मैं तो उसे घर ले आई, आज के बाद वो इसी घर में रहेगी। आज तक मामा को तो कबूल किया नहीं उन्होंने, लेकिन इस लड़की को फौरन कबूल कर लिया। देखो आलिया, तुम्हें मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें मामा के साथ खड़ा होना पड़ेगा, हमारा साथ देना होगा। प्लीज आलिया समझो, हम बेगम शमीम को मिलकर बर्बाद करेंगे, समझी? मामा, मैंने आलिया को समझा दिया है, पर आप भी अब ख्याल कीजिए, उसको इस तरह मारपीट के जबरदस्ती मत करें, इस तरह वो बिगड़ जाएगी, सुधरेगी नहीं। ठीक है, तुम्हारी जबरान से बात हुई? हाँ, कल रात फोन किया था मैंने उसे, मगर आप तो उसे अच्छी तरह जानती हैं ना, माँ जी का चमचा है वो वही करेगा जो माँ जी कहेंगी। तुम भी ना एक बच्चा नहीं दे सकी उसे। आदमी जब तक खुद बाप नहीं बन जाता ना, वो अपनी माँ के पीछे दुम हलाता फिरता। तो क्या करूं, बच्चा बाजार में तो मिलता नहीं कि दो चार खरीद कर पाल लूं। जो बात मेरे बस में नहीं उसका ताना आप मुझे क्यों देती हैं? ताना नहीं दे रही, नी किस्मत पे रो रही। छोटी बीबी आप यहाँ? कोई काम था तो मुझे बताया होता। मैं चाय बनाने आई थी। चाय तो मैंने अभी बेगम साहबा के लिए बनाई है, आपके लिए भी बना देती हूँ। नहीं, वो सलार के लिए मैं खुद चाय बनाना चाहती हूँ। बड़े शौक से आप छोटे साहब के लिए चाय बनाएं, क्योंकि वो आपके शोहर हैं और उनकी खिदमत करना आपका फ़र्ज़ है। लेकिन अभी नहीं, अभी तो आप नई नवेली दुल्हन हैं, अभी तो मैं ही चाय बनाऊंगी। मैं बड़ी बेगम साहबा को चाय देकर आती हूँ। छोटी बीबी एक बात कहूँ अगर बुरा ना लगे तो? कहिए। ये चाय आप बेगम साहबा को दिए हैं, यकीन जाने उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अगर मुँह से नहीं भी कहेंगी ना तो बहुत खुश होंगे दिल में। मगर अच्छा चले मैं लेके जाती हूँ। अच्छा रुके जी, लाए मुझे दे। जीती रहो। अच्छा जब तक आप बड़ी बेगम साहिबा को चाय देकर आती हो ना, मैं सलार साहब के लिए चाय बनाती हूँ, वो अपने कमरे में ही है ना? जी
रख दो। सुनो, पांव दबा दो। नहीं नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, एडमिशन्स हो जाएंगे। आप कल मेरे ऑफिस आ जाएं। ओके, थैंक यू। सारा कहाँ है? वो बेगम साहबा को चाय देने गई हैं जी, शायद उन्हीं के पास बैठी होंगी। ठीक है, आप चाय रखते हैं। जी साहब। बस करो, थक जाओगी। आप फिक्र नहीं करें, मैं नहीं थकूंगी। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और फिर सालार क्या सोचेगा कि नई नवेली दुल्हन से पांव दबा रही है? सलार ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। आप यकीन करें, आपकी खिदमत करके मुझे बेहद खुशी हो रही है। जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे आवाज दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। आलिया, मैं घर जा रही हूं। अब तुम प्लीज मामा से उलझना मत, वो जैसा करती हैं तुम वैसा कर लो। मैंने उनसे कह दिया है, वो तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करेंगी अब। Why do you guys just don't understand? मैं इस घर में कैद होकर नहीं रह सकती हूं। अगर मामा को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मेरी जरूरत है तो उन्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या मतलब है इस बात का? वो जो लड़ाई लड़ रही हैं, वो सिर्फ उनकी है? ये हम तीनों की लड़ाई है, हम अलग नहीं है एक दूसरे से। आई डोंट केयर, मैं ये सब नहीं जानती हूं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं अपनी जिंदगी में किसी की भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। इंटरफेरेंस? कौन कर रहा है तुम्हारी जिंदगी में इंटरफेरेंस? तुम क्या करती फिर रही हो ये अच्छी तरह जानती हूं मैं अच्छी तरह जानती हूं कि कौन दोस्त है तुम्हारे, किनके साथ पार्टीज करती फिर रही हो तुम। लेकिन इसके बावजूद मैंने और मामा ने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा, उसके बावजूद तुम ये सब कह रही हो। तुम
तुम अपनी मर्जी करना चाहती हो करो, मगर इसके लिए ये घर छोड़ना पड़ेगा। और अगर इस घर में रहना है तो वही करना पड़ेगा जो मैं चाहूंगी। कूल, फेयर इनफ। अगर इस घर में रहने की कीमत मुझे अपनी आजादी कुर्बान करके चुकानी पड़ेगी तो मैं यहां से जा रही हूं अभी और इसी वक्त जा रही। रुको आलिया, तुम इस वक्त कहां जाओगी अकेले? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इसकी फिक्र करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। क्या हो गया है आलिया तुम्हें? मेरा तो ख्याल था कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन तुम तो हुमा, तुम अपने घर जाओ, इसे इसके हाल पर छोड़ दो। ये जो करना चाहती है करे। सलार की तो शादी हो गई और इसकी बेवकूफियों की वजह से हमें जो नुकसान होना था ना हो चुका। नहीं मामा, आप यहां से जाएं। मैं समझाती हूं इसे, बात करती हूं इससे। आप प्लीज यहां से जाएं। तुम अपना वक्त जाया कर, जाओ तुम अपने घर जाओ। नहीं मामा, जब तक इस मसले का हल नहीं निकाल लेती मैं यहां से नहीं जाऊंगी। आप प्लीज प्लीज यहां से जाएं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जा रही हूं, जब आऊंगी तो तुमसे बात कर लूंगी। जी मामा। जी माँ जी, मैं आप ही को फ़ोन करने वाली थी। अच्छा हुआ आपका फ़ोन आ गया। नहीं, वो आज मैं घर नहीं आऊँगी, आलिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। नहीं नहीं माँ जी, ज़्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जब से सालार की शादी का सुना है आलिया ने खाना पीना ही छोड़ दिया, किसी से बात भी नहीं करी। इसीलिए मैंने सोचा आज रात मैं यहीं रुक जाती हूँ उसके पास। जी माँ जी, ओके, खुदा हाफिज़।